हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपका दिन बहुत अच्छा रहे और मेरा दिन तो है ही अच्छा क्योंकि शुरुआत अच्छी हो चुकी है। और आज सो गाइस, आज मैं बांधने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल में साड़ी। तो साड़ी को मैंने पहले अंदर थोड़ा सा डाल लिया है और फिर इस तरफ से मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी अंदर की तरफ को। मैं इसको पेटीकोट के अंदर थोड़ा थोड़ा एक एक इंच अंदर डाल लूंगी क्योंकि हाइट तो मेरी काफी लंबी है तो ज्यादा तो अंदर डाल नहीं सकती ना साड़ी। तो मुझे उल्टे पल्ले की साड़ी को बांधना है अभी। तो इस तरह से मैं साड़ी के इस हिस्से को मैं यहाँ से फोल्ड करूंगी प्लेट्स बनाने के लिए। और प्लेट्स इतनी अच्छी आ जाएंगी तो पहले प्लेट बना लेते हैं इसकी ताकि वो अच्छे से नीचे मतलब घूम के लिए स्पेस बच जाए, फिर बाद में इसको मैनेज नहीं करना पड़ता। तो एक के ऊपर एक प्लेट रखते हुए मैं बॉर्डर को बाहर निकालूंगी ताकि उससे साड़ी की लुक बहुत सुंदर आएगी। क्योंकि अगर हमने बॉर्डर छुपा दिया तो उसकी लुक मतलब अच्छी नहीं लगेगी, साड़ी की जो मेन लुक है वो खत्म ही हो जाती है। और मैं अभी राइट हैंड से अभी इसकी जो है कुम बनाऊंगी और अच्छे से प्लेट्स को मैनेज करना है। यहाँ पे पिन अप कर लेती हूँ मैं पहले ताकि वो प्लेट्स गिरे ना। और उल्टे हाथ से मुझे ना इसकी कुम बनानी है और राइट हैंड से इसको पकड़ना है और नीचे वाला जो घूम है वो सबसे फर्स्ट वाला थोड़ा सा बड़ा रखना है अदर के मुकाबले। अदर घूम को थोड़ा छोटा रखना है बट हमको फर्स्ट वाला घूम थोड़ा बड़ा रखना है, बाकी सब छोटे लेने। तो इससे जो प्लेट्स होती है अपनी घूम वाली बहुत अच्छी लुक आती है उसकी, एक के ऊपर आएगी तो वो दिखेगी खुल के, काफी अच्छी लगेगी। और अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इसमें मैंने एक पिन लगाई है जो अंदर मैंने इसकी पिन को लगा लिया है और इन जो घूम है इसको अच्छे से मैनेज करना है ताकि इधर उधर वो बिखरे हुए ना लगे। और अब एक और पिन इसमें लगाऊंगी यहाँ पे ताकि वो निकले भी ना और कहीं भी खिसके ना इधर उधर। तो बस अच्छे से सेट हो गया ये, बहुत ही अच्छे से बन गई साड़ी, बहुत हल्की फुल्की है और उसे पहनने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहन के पता ही नहीं चलता साड़ी। और देखिएगा इस कितनी अच्छी से मतलब लुक आई है, पीछे से भी बहुत ही प्यारी बन के आई है साड़ी। तो इंडियन की सबसे अच्छी ड्रेस है साड़ी। तो भारतीय नारी की जो ड्रेस होती है वो एक साड़ी होती है जो बहुत ही सुंदर लगती है, मतलब कोई फंक्शन हो या कोई ऐसे भी आप घर में भी पहनोगे तो अच्छा लगता है, खुद को लगता है कि हाँ मतलब एक लगता है कि हाँ अंदर से कुछ अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो गाइज अभी मैंने बांधी है साड़ी और इंडियन स्टाइल में साड़ी मैंने बांधी है, होप आपको पसंद आई होगी। और अभी मैं करती हूँ मतलब अपनी जो है मेरी ड्रेसिंग रूम बहुत गंदा पड़ा हुआ वो मैं सफाई करती हूँ। बाद मुझे करना होगा ड्रेसिंग रूम साफ जो बहुत ही गंदा पड़ा है, मतलब काफी दिन हो गए, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं फिर तो काम कुछ होता है नहीं। और गाइस देखिए फैला पड़ा हुआ है मेरा ये सामान भी था और ये मेरा ड्रेसिंग रूम है जो मतलब बहुत ही गंदा हो रखा है, इसको मुझे सफाई करनी है आज। तो अभी बच चुके हैं 11:30 और तो 12:30 तक मेरा ये काम हो जाएगा, 12:30 से 1:30 तक मेरा खाना बन जाएगा तो फिर बच्चे आ जाएंगे। तो फटाफट गाइस मैं ये करती हूँ। तो गाइस ये वाला जो है ना फोलिक एसिड ये मैंने संस्कृति को पिला दिया था और इतना मतलब लगा मुझे कि ये मतलब मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे बीकासूल देना था बट मैंने ये दे दिया बीकासूल की जगह। और ये पास पास में रखी थी, रात में अंधेरा था तो मैंने कहा चलो ये वही दवाई है जो मैंने कल रखी थी। और लेकिन उसके गले में बहुत इसको मतलब पी के अजीब सा हुआ तो मुझे फील भी हुआ कि मुझे दवाई को ना अच्छे से देख के देना चाहिए था। ये चश्मा है, कभी कभी हम लोग एक्टिंग करते हैं ड्रामा तो उसमें मैं लगा लेती हूँ, उसके काम आता है। और ये पानी की बोतल है और तब मेरा हाथ टूट गया था तो उसमें काम आई थी सिलाई के।
और मेरा यहाँ पे ना सारा मतलब साबुन सर्फ वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सारा साबुन सर्फ वगैरह का सामान रखा रहता है। ऊपर भी ये सब भरा हुआ है, तो यही ड्रोर मेरे हैं, इसमें सारा रख देती हूँ मैं, मुझे चाहिए होता है। इधर मेरा बैंगल बॉक्स रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चूड़ियां भरी हुई है और कुछ बैंगल्स इधर भी रखी हुई है। ऊपर वाला बॉक्स तो उसमें साफ हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया। कभी कभी ना पैक बना के मैं इसको अपने फेस पे लगाती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुल्तानी मिट्टी से, बहुत ही नेचुरल तरीके से मतलब है। और इसको ही मैं लगाती हूँ और नेचुरल ही स्क्रब करती हूँ फेस पर, टमाटर खीरा और ये नींबू वगैरह आलू वगैरह डाल के, टमाटर नींबू खीरा हनी बेसन और ये सब मिला के मैं एक साथ दही वगैरह तो मैं फेस पे लगाती हूँ, इससे स्क्रब करती हूँ थोड़ा कॉफी पाउडर वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर मैं नेचुरल ये वाला पैक लगाती हूँ जो है मुल्तानी मिट्टी का, तो इस तरह से मैं फेस को साफ करती हूँ। तो गाइज ऑलमोस्ट सफाई मेरी हो गई है, तो गाइज देखिएगा अब भी अच्छा लग रहा है ना ये सब, पहले कहाँ अच्छा लग रहा था ये, अब अच्छा लग रहा है। और इधर मेरा ये भी साफ हो गया है, ये प्रेस जो रखी है इसको रखूंगी, ऐसा थोड़ा सा सही लग रहा है कि हाँ अंदर घुसते थोड़ा सा मन लग रहा है। तो गाइस चलो फाइनली ये तो हो गया है, ये अलमीरा तो मैं अभी साफ नहीं कर पाऊंगी, इसमें मेरी साड़ी वगैरह बहुत भरी हुई है। अब मैं थोड़ा सा रख देती हूँ सांभर वगैरह बनने के लिए, मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है 12 o'clock का, 1 o'clock तक खाना बन जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो एडिट कर दूंगी, वरना तक वीडियो भी रह जाएगी क्योंकि एग्जाम है, शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा बिल्कुल भी। गाइस आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज आगे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा अच्छे अच्छे, और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं बनाती हूँ खाना, और जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की है नहीं बहुत ज्यादा। और हस्बैंड कर रहे हैं अभी अपना ऑफिस का काम एज यूजुअल, और कोको तो पता नहीं कहाँ सो रहा है, कोको कहाँ सो रहा है, कोको का पता ही नहीं है गाइस कहाँ सो रहा है। और गाइस यहाँ चल रहे मेरे अपने ब्लॉग टीवी में, क्योंकि वो चीज आज तो मैं खुद ही पूरा कर रही हूँ। तो गाइस ये है जवी, और इसको मैं 5 किलो ले आई थी खट्टे, अभी मैं इसको भून के रखूंगी, आज नहीं तो कल मैं इसको भून के रख दूंगी, फटाफट बन जाते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ। तो गाइस खाने में बना रही हूँ अभी मैं मिक्स दाल चावल, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल के और 2 बजने वाले हैं, मतलब 1 बज चुका है और तो 2 बजे तो बच्चे आ ही जाएंगे, तब तक खाना बन जाएगा। नमक हल्दी वगैरह डाल के मिक्स दाल में चढ़ा देती हूँ फटाफट, और रोटियां नहीं बनाऊंगी आज, ओनली दाल चावल ही बना दूंगी, तो उसी से काम चल जाएगा, बच्चे तो दोनों आराम से खा लेते हैं दाल चावल। और अभी मैं इसके तड़के के लिए तैयार कर देती हूँ प्याज वगैरह काट के, टमाटर वगैरह, तो फटाफट जैसी दाल होगी तो मैं तड़का लगा दूंगी और एक तरफ चावल रख दूंगी, तो बस खाना रेडी रहेगा तो बच्चे खा के सो जाएंगे, फिर 4-5 बजे से उनको पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी के लिए उनको टाइम से सुलाना होगा। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।